भक्त कहते कि हम भगवान के दास, लेकिन हम लोग अपना दास से धर्म निभा नहीं पाते पूरी तरह। लेकिन भगवान कहते नहीं, मैं भक्त को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। गोविंद जितनी भक्तों की सेवा करते हैं उतने हम लोग सेवा नहीं कर पाते। आओ श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर मीरा जी जैसी, नरसी जी जैसी भक्ति मांग ले और रथ हम पर भी चढ़ जाए तो फिर बात ही कुछ और होगी। और बिना गोविंद के जीवन सजता भी नहीं, बिना गोविंद की भक्ति के जीवन का श्रृंगार भी नहीं होता। इसलिए प्रार्थना करो और भाव से बोल I'm gonna make it.
यही उपाय समझ में आता है, यही मार्ग समझ में आता है कि हम जैसे भी हैं वैसे ही श्री ठाकुर जी के चरणों में बस समर्पित रहें। हम अपनी प्रत्येक क्रिया को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें। क्यों? क्योंकि उनका एहसान कैसे चुकाएं, जिसने इस धरती पर भेजने से पहले हमारे लिए माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था कर दी, वो जीवन की अंतिम शाम तक भी हमारी व्यवस्था करे बैठे हैं, तो फिर उनके लिए क्या कहें। उनके लिए तो बस यही उनके चरणों में बैठ जाए और उनकी कृपा को याद करते हुए अगर आंखों में दो आंसू आ जाए, नेत्र सजल हो जाए, तो समझना कि हम कुछ कह पा रहे हैं। गोविंद पूछे, अरे मुझे प्राप्त करने के बाद भी रोता है, रोने का कारण क्या है? तो कहना, सरकार मेरे अल्पास आंसू बन के जब जमीन पर गिरने लगे तो ये वही शब्द थे तो जुबान तक पहुंच ना पाए, जुबान तक पहुंच। इसलिए आओ गोविंद के चरणों में बैठकर ये भाव निवेदित करो।
समस्या का हल बने, जो उनको भूल जाए फिर उसको कहीं और सारा आसरा भले ढूंढता रहे लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि आराम चाहता है तो आराम की शरण में, विश्राम तो सब कुछ ठाकुर जी के चरणारविंद में ही मिलता है। इसलिए हरि की याद ही तेरी समस्याओं का हल बनेगी, हाँ किसी की आज और तेरी कल बनेगी। Oh,
तेरी अर्जी है।